चलो जी, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सुलेमान रोशन जो अस्पताल है, यहाँ पर माशाल्लाह आज चौथे रोज़ भी यहाँ पर जो है ठंडे पानी और शरबत के यहाँ पर कैंप लगाया गया जी। देखें माशाल्लाह जी, देखें यहाँ पर सुलेमान रोशन हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर आने वाले मुसाफिर भी हैं और यहाँ पर जो मरीजों के साथ आने वाले पेशेंट भी हैं, जो यहाँ पर सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन साहब की काविशों से यहाँ पर अस्पताल के अंदर आज चौथे रोज़ भी यहाँ पर ठंडे पानी और मशरूबात का, यहाँ पर ठंडे शरबत का भी, अब ये ठंडे पानी का भी लगाया गया, इसी तरह यहाँ पर ठंडे शरबत का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया है, जहाँ शहरी को यहाँ पर ठंडे पानी से उनको तस्कीन दी जा रही है। आपको भी पिलाएं? हॉस्पिटल का ये सामने ही मस्जिद के साथ ही एरिया है, जहाँ पर ये जो शहरी और ये मुसाफिर हजरात यहाँ पर शरबत, इस गर्मी के अंदर जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पर टंडोआदम में जो 45 से 47 डिग्री ग्रेड तक यहाँ पर गर्मी रिकॉर्ड की गई थी, जहाँ पर शहर के टंडोआदम शहर के अंदर भी माशाल्लाह वहाँ पर भी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लगाए गए कैंप, कल छतरी चौक पर भी यहाँ पर सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब और मलिक ज़ुल्फ़िकार रोशन साहब की ज़ेर निगरानी वहाँ पर भी शरबत थादल और ठंडे पानी का कैंप लगाया था। आज सुलेमान रोशन जो मेडिकल अस्पताल है हैदराबाद रोड पर, यहाँ पर भी जो है आज चौथा रोज़ है जहाँ पर इधर भी शरबत के ठंडे शरबत का यहाँ पर शहरियों की सहूलत दी जा रही है। माशाल्लाह जी, सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन साहब के यहाँ पर काविशों से उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर टंडोआदम के यहाँ पर MS हैं, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा इंगोरो साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहिब इंगोरो साहब हैं और यहाँ पर दीगर स्टाफ के हमरा यहाँ पर जो ये ठंडे पानी का यहाँ पर शरबत और ठंडे पानी का यहाँ पर कैंप लगाया गया है, यहाँ पर शहरियों को, यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आते हैं इस गर्मी शदीद गर्मी के अंदर, यहाँ पर पेशेंट भी हैं मरीज़ों के साथ आने वाले और यहाँ पर शरबत भी पिलाया जा रहा है। माशाल्लाह जी।